केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। प्रशासन के मुताबिक 170 लोग इस आपदा में लापता हैं। उत्तराखंड के चमोली में जोशीमठ के पास ग्लेशियर टूटने के चलते आई भीषण बाढ़ में जान माल के नुकसान से आहत भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने राहत और बचाव के लिए एक मैच की फीस देने की घोषणा की है। वो भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम के सदस्य हैं। पंत ने लोगों से अपील की है कि वे भी मदद करें और पंत ने एक ट्वीट में कहा कि उत्तराखंड में हुए हादसे से बहुत दुख हुआ, राहत बचाव के लिए अपनी मैच फीस देना चाहूँगा और अधिक लोगों से मदद करने की अपील करूँगा। आईटीबीपी के डीआईजी अर्पणा कुमार ने बताया कि बड़ी टनल को 70 से 80 मीटर खोला गया है। जेसीबी से मलबा निकाल रहे हैं। यहां कल से 30 से 40 कर्मी फंसे हुए हैं। आईटीबीपी उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना यहां संयुक्त ऑपरेशन कर रही है। करीब 153 लोग लापता हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि हमारे बहादुर जवान रात भर के बचाव कार्य के पश्चात सुरंग के मुहाने तक पहुंच गए हैं। बचाव कार्य जोरों से चल रहा है और हम और अधिक लोगों की जान बचाने की उम्मीद कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि तपोवन प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, इसमें बड़ी संख्या में श्रमिक काम कर रहे थे। अभी भी 203 लोग लापता हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने मुख्य सचिव को बोला है कि मौजूद इसरो के वैज्ञानिकों की मदद से ग्लेशियर टूटने के कारण को ढूंढा जाए ताकि भविष्य में हम एहतियात बरत सकें। चमोली से ग्लेशियर टूटने से मची तबाही के बाद कई गांवों से संपर्क टूट गया है। जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने बताया कि रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक इन गांवों में वैकल्पिक व्यवस्था या पुल तैयार नहीं हो जाता तब तक हेली से यहां पर रसद पहुंचाया जाएगा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।